चलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमल गौतम है। कमल जी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली पिनगवा का रहने वाला हूँ और हम लोग 7 पीढ़ी से पिनगवा के ही रहने वाले हैं। मेवात से आपका संबंध है? मेवात से मेरा संबंध है। आज 14 तारीख हो गई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर लोगों से 3 मई तक लॉकडाउन की अपील की है। क्या संदेश होगा आप यहाँ के एक जिम्मेदार शख्स हैं मेवात वासियों के लिए आपकी ओर से? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक है, सरकार जो है, जितनी भी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हों, वो अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं और अपना अपना काम कर रही हैं। अब ज़रूरत है हमें अपना काम करने की कि हम क्या कर सकते हैं। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे देश को, जिस तरह से ये देश डिवाइड है, स्टेट वाइज इसको बांट लिया जाए और फिर इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट लिया जाए और फिर इसको ब्लॉक वाइज और ब्लॉक के बाद फिर सब ब्लॉक वाइज इसको हम बांट करके देखें और हम ये जिम्मेवारी लें। सरकार जो कुछ कर रही है वो कुछ कर रही है, हमें बेसिकली ये जिम्मेवारी लेनी है कि अगर हम चाहते हैं अपना स्वास्थ्य बढ़िया, अपने घर में ये कोरोना नाम का महामारी ये हमारे घरों तक ना पहुंचे, इसके लिए सरकार के अलावा सिर्फ एकमात्र मेरी लोगों से एकमात्र रिक्वेस्ट है कि जो गांव के मुखिया हैं वो अपने गांव को संभालें और जो वार्ड के मेंबर हैं वो अपने वार्ड को संभालें, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो अपने कस्बे को संभालें और उनके मेंबर उसी तरह से अपने अपने वार्डों में फैल जाएं, अपने अपने वार्डों में फैल करके और वो अपने अपने वार्डों की हिफाजत करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे वार्ड में एक भी आदमी कोरोना पॉजिटिव ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम सरकार के सामने लाए बगैर रह जाएं। अगर कोई कोरोना का बचना है, कोरोना से बचना है, इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया बचाव है, तो वो सिर्फ एकमात्र यही है कि हमें खुद को इतना जागरूक होना पड़ेगा, गांव स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव के वार्ड वाइज स्तर पर हमें इतना जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि एक भी कोरोना पॉजिटिव रह गया, यदि एक भी गलती से कोरोना पॉजिटिव रह गया, तो आप ये मत समझना कि हम ये लड़ाई जीत गए। हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते क्योंकि एक ही आदमी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो लाखों लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए, और इसकी सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि इसके जो लक्षण हैं वो सामने नज़र नहीं आते। हम और आप जैसे कि सामान्य हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे मैं खाली बैठा हूँ, कोई नहीं कह सकता मुझ में कोई लक्षण नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि मुझ में ये बीमारी है नहीं। और मैं अगर लापरवाही करूँ, बगैर मास्क लगाए मैं बाहर निकलता हूँ या किसी लोगों से मिलता जुलता हूँ या बगैर वजह मैं घर से निकलता हूँ, तो इसका मतलब ये चलिए कि मैं अपने संग बीमारी शायद लेकर के जा रहा हूँ या फिर शायद बीमारी किसी से लेकर के आ रहा हूं। तो आज हमें जरूरत है घरों में बैठने की, अपने घरों में बैठने की। अरे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन चटनी रोटी खा लो यार। एक टाइम अगर भूखा भी रह लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि हम ये भूल जाएं कि हम तो जवान हैं, हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई, हमारा तो बिगाड़ेगा ही, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका क्या होगा। और हम अपने साथ साथ पूरे समाज को हम इन्फेक्टेड कर देंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जो मीडिया कहता है कि फला आदमी जमात से आया या फला आदमी कहीं से आया या फला आदमी कहीं से गया। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपके पास, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप जमात से आने वाले भाई हैं, अगर
बाई चांस आपके पास कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री है या आप किसी बाहर के लोगों के संपर्क में आए हो, आप गुजरात महाराष्ट्र या बाहर के लोगों से आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है, उसको कतई मत छुपाइए, उसको छुपाइए मत। हम लोग पता है ये छुपा कर करते क्या है, हम लोग ये समझते हैं कि कहीं या तो ना हो कि हम बता देंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी या ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा। इससे भी भारी संकट तो हम अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए दे रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर किसान भाई भी, मैं जानता हूँ कि उनका फसल काटना अनाज को मंडी ले जाना वो भी ज़रूरी है और सरकार इसके इंतजाम करेगी, तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से भी ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रैक्टर पर लदवा करके सिर्फ एक या दो आदमी अपना अनाज मंडी तक लेकर जाएं और वहाँ पर जो भी पल्लेदार वगैरह हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनसे भी आप सोशल डिस्टेंसिंग ही रखें। और आप मोदी जी ये कहते हैं कि आप घर में रहिए और आप एक काम जरूर करिए कि अपने घर में ही रहिए, लेकिन यदि आप अपने गेट से बाहर जरा सी देर के लिए भी, 2 सेकंड के लिए भी निकलते हैं तो आपका मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। वो मास्क जरूरी नहीं बाज़ार से ख़रीदा हुआ हो, वो मास्क आपकी सापी तौलिया गमछा रुमाल, वो आप किसी भी चीज़ को मास्क के रूप में, हमारी माँ बहनें अपनी चुन्नी को अपने दुपट्टे को मास्क के रूप में इस्तेमाल कर लें। वो जहाँ भी जाएँ, चाहे घर से एक कदम ही क्यों ना निकलना पड़े, पहले तो आप बिल्कुल निकले नहीं, और यदि कोई इस तरह की इमरजेंसी है भी तो अपना मुंह ढक कर के निकलें, और यदि आपको कोई बगैर मास्क वाला मिले तो उससे पहले तो रिक्वेस्ट करें कि आप मास्क लगा कर क्यों नहीं निकले। यदि वो नहीं मानते हैं तो इसकी सूचना आप थाने में दें, ताकि मास्क, क्योंकि हरियाणा सरकार ने मास्क कंपलसरी कर दिया है, जो आदमी मास्क लगाए बगैर बाहर निकलेगा उस पर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। अतः मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान दें जो बातें मैंने कही हैं, और इस कोरोना नाम की महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को बचाएं। धन्यवाद।